पिछले भाग में हमने देखा कि जब अंग्रेज आए भारत पर उन्होंने अधिकार धीरे धीरे किया तो कैसे उन्होंने हमारे पूरे सिस्टम को हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, उदासीनता का माहौल हो गया हमारे अंदर, गुलामी की एक तरह से आदत हो गई और हम कोई भी नया आविष्कार या नई उन्नति नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास खाने तक को जब पैसा नहीं था आम लोगों के पास तो हम कुछ और कैसे करते। बड़े बड़े लीडर्स कुछ कुछ आए लेकिन कुछ भी खास रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था हमें। 200-300 सालों तक कोई भी भारत में ऐसा लीडर नहीं आ पाया था जो भारतीय जनता को एक कर सके। ऐसे में 1915 में भारतीय राजनीति में आए मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी मॉडरेट और एक्सट्रीम इन दोनों तरीकों से अलग एक तीसरे तरीके के साथ आए, तीसरी आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़े, सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए अपनी जीत को सुनिश्चित करना। राजा की तरह युद्ध करके अब जीत हासिल करना हमारे लिए संभव नहीं रह गया था। क्यों? इसलिए नहीं कि हम डरपोक थे, इसलिए कि इंग्लैंड की तरक्की, इंग्लैंड की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें और हम में बहुत ज्यादा गैप था। अभी मैंने एक यूट्यूबर को देखा हिस्ट्री पे बात करते हुए कि गांधी जी ने अहिंसा के जरिए हमारी आजादी को 20 साल आगे ढकेल दिया। वो चाहते तो हम 20 साल पहले ही आजाद हो जाते युद्ध करके। इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लोग दे देते हैं आजकल, इंटरनेट मिल गया है तो कुछ भी बोलते हैं। ये सोचने वाली बात है, जिस देश में पैसा नहीं, हथियार नहीं, वो एक ऐसे एम्पायर को कैसे हरा पाता जो सारी दुनिया पर रूल कर रहा था उस वक्त। सिर्फ भारत में रूल नहीं था अंग्रेजों का, ऐसे में हमारे पास हथियार दूर, रोटी नहीं थी आम लोगों के पास। कितने लोग, हम खुद अंग्रेजी सिस्टम में काम कर रहे थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, आर्मी में, हर जगह इंडियन थे। तो ऐसे में हम उनको कैसे हरा देते, ये सब कह देना आज के जमाने में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और अपने कुछ सब्सक्राइबर और लाइक्स के लिए लोग ऐसा बोल तो देते हैं लेकिन वो कितना गुमराह करते हैं यंगस्टर्स को, उन लोगों को जो स्कूल में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने ये किया, और घर आके वो यूट्यूब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें करना इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, मुझे लगता है काफ़ी गलत है और एक गलत संदेश है हमारे यंगस्टर्स के लिए। खैर, दूसरी बात ये कि अंग्रेज चाहते ही ये थे कि इंडियंस हिंसा करें। हम हिंसा करते वो हमें गोली से मारते या फिर फांसी देते या देशद्रोह का हम पर मुकदमा चलाते थे, ये उनका पुराना फंडा था। हिंसा का जवाब अंग्रेजों के पास था, उनको गोलियों का कोई हिसाब नहीं देना था। जिसका जवाब उनके पास नहीं था वो थी अहिंसा। अगर जन समूह सड़क पर आ जाए और ज्यादातर लोग जागरूक हो जाए अपने अधिकारों के लिए, तब भी और आज भी, तो कोई भी सरकार कितनी गोलियां चलाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट अब याद कीजिए, गांधी जी ने ऐसे सत्याग्रहियों को चुना जो जगह जगह पर जाकर भाषण देते और वो भाषण ऐसे होते जिससे लोगों में बगावत की भावना आए। लोगों में बगावत आती, अंग्रेज हमें जेल में डालते और इससे सारी दुनिया को ये संदेश जाता कि भारतीयों को अभी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। दुनिया भर में ये संदेश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये काम किसने किया? ये काम गांधी जी ने किया दूसरों के जरिए, यानी आम लोगों के जरिए। अगली चीज, जुलूस निकालना, हड़ताल करना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। जुलूस निकलता सड़कों पर, व्यवस्था में बाधा आती अंग्रेजों की व्यवस्था में, हड़ताल मिलों में होता, फैक्ट्रीज में होता और विदेशी सामान उसका बॉयकॉट हो जाता, अंग्रेजों के प्रोडक्शन पर असर होने लगा। और अब इस चीज से अंग्रेजों को ज्यादा फर्क पड़ रहा था। इससे हुआ ये कि जो आम लोग थे अब उनको एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसमें उन्हें अपना नेता नजर आया या उनको एक दिशा मिली आजादी की तरफ। अगली चीज जो खासकर हिंदू भाइयों को समझनी चाहिए वो है पूना पैक। आजकल मैंने कई हिंदू भाइयों को देखा है कि वो गांधी जी को हिंदू विरोधी कहते हैं या फिर मुसलमानों की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर हम पूना पैक्ट देखें तो हमें समझ में आएगा कि गांधी जी का नजरिया अलग था। हुआ ये कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो अंबेडकर जी ने भारत के शोषित वर्ग अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी हिंदी में जिसे पृथक निर्वाचन मंडल कह सकते हैं, उसकी बात की। और जब ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनल्ड ने सेपरेट इलेक्ट्रेट को मंजूरी देने की बात की तो गांधी जी ने पुणे की यरवाड़ा जेल में अनशन कर दिया।
वो वर्ण व्यवस्था के चौथे स्तंभ को हिंदू धर्म के बाहर मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। उनके अनशन से लोगों का दबाव पड़ा, अंबेडकर जीते और वो संधि के लिए तैयार हुए। पूना में संधि हुई जिसे कहा गया पूना पैक्ट, साल था 1932। और इसके अनुसार जो शोषित वर्ग था उनके लिए रिजर्व सीट्स निर्धारित की गई। वर्ण व्यवस्था को डिस्टर्ब होने से रोका, विभाजन जैसी सोच को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को मिला था और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। तो गांधी जी ने उस विभाजन जैसी विचारधारा को हिंदुओं के अंदर ही, हिंदू समाज में उस विभाजन जैसी विचारधारा को कमजोर करने का काम किया, हिंदुओं को एक करने का काम किया जाति से अलग हटकर, जाति से अलग सोचकर। और ये जो शोषित वर्ग था उसे हिंदू धर्म में रहते हुए ही उसके विकास के लिए प्रेरित करने का काम गांधी जी ने किया। ये थी सामाजिक बातें, लेकिन आर्थिक पहलुओं की बात करें तो गांधी जी ने उसमें क्या किया। हम जानते हैं कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को नष्ट कर दिया। गांवों में हमारी ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती थी, ग्रामोद्योग जो था, उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। अब यहां पर गांधी जी ने किया क्या कि वो अपर क्लास से नहीं बल्कि वो रूट कॉज से आगे बढ़े। जमीनी हकीकत को जानते हुए उन्होंने जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया या फिर जिसको लेकर आए वो राजनीति में या लोगों के बीच, वो था चरखा। गांधी जी ने कहा कि हर गांव खुद अपने आप के लिए काम करे। चरखे या खादी के दो अर्थ थे या दो पहलू थे, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता। किसी भी समाज में अगर आर्थिक स्वतंत्रता है और आत्मनिर्भरता है तो उसे दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर सकता है। दूसरी अहमियत ये थी चरखे की कि इससे जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता उससे मोनोपोली टूट जाती, यानी ये किसी एक के हाथ की चीज नहीं थी। गांधी जी ने घर घर में चरखा को लाने की बात की। ये बात सुनने में काफी आदर्शवादी लग सकती है, लेकिन ये काफी प्रैक्टिकल थी। क्यों? क्योंकि ये कोई भी कर सकता था। गांवों का सामान शहरों में जाता तो ग्रामीण विकास होता, लोगों को रोजगार मिलता, जीवन का स्तर बेहतर होता और आत्मविश्वास आता। यानी चरखा लोगों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन गया। इसके अलावा गांधी जी ने 1917 में चंपारण में जब पहला सत्याग्रह किया तो उन्होंने उन किसानों और मजदूरों का साथ दिया जिन्हें उनकी मर्जी के बगैर या जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया जा रहा था। यानी भारत आते ही उन्होंने पहले गरीबों को साथ लाने का काम किया। और इससे हुआ ये कि इतने इंटीरियर में, इतने छोटे छोटे गांव में जाने से हुआ ये कि गांव के लोग तो जागरूक हुए, उसके अलावा ये सारी बातें शहरों तक पहुंची तो शहर और गांव दोनों के ही जो लोग थे, खासकर युवा, उन्हें एक दिशा मिली कि अब उन्हें क्या करना है, जो दिशा अब तक उन्हें नहीं मिल पा रही थी बड़े बड़े लीडर्स आने के बावजूद। इसी तरह गांधी जी करते रहे, खेड़ा सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च, औरतों को आगे लाने का काम उन्होंने किया, छू अछूत जैसी चीज को उन्होंने समाज से हटाने का काफी काम किया। किसी भी नेता की, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, कुछ बातें सही और गलत हो सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन ये कह देना कि गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं या सिर्फ चरखा चलाया, चरखे का तो कोई यूज ही नहीं है, ये बात बहुत ज्यादा हजम नहीं होती अगर आपने किताबें पढ़ी हो। कई सारे लोगों को कांग्रेस में ही गांधी जी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, लेकिन इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं। आज लोग एसी में बैठकर जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, उन्हें शायद अनशन का मतलब भी नहीं पता। और उन गांधी जी की वो बुराई करते हैं जो टॉयलेट साफ करने लगते थे, ये प्रेरित करने के लिए लोगों को कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। खैर, मैं कोई गांधी जी का वकील नहीं हूँ और ना ही उन लोगों का दुश्मन जिनकी आइडियोलॉजिकल ओपिनियन डिफरेंट है गांधी जी से, लेकिन सच को सामने लाना जरूरी है अगर आप हिस्ट्री को वाकई जानना चाहते हैं, ना कि अपने मन से या लोगों को जो अच्छा लगे सिर्फ वो बता देना। बाकी अगर आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।